bit tough. वादी में संदिग्धों से मिले जिंदा कारतूसों के चलते फिर से कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। मैडम एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको डर नहीं लगता? डर? किस बात का? मैडम हम कश्मीर में हैं, यहाँ दूर दूर तक किसी का पता नहीं है। और आप पूछ रहे हैं किस बात का डर? हाँ तो ऐसे लोगों की कवरेज ऐसे जगहों पर होती है। तुम्हें क्या लगा तुमसे मिलने इस पहाड़ों में वो फाइव स्टार रिजॉर्ट में आता? मैं क्या कह रहा था मैडम, इससे मिलना जरूरी है क्या? हाँ हम इसका वीडियो कॉल से भी तो इंटरव्यू कर सकते हैं ना। और मैडम मैंने सुना है इस बंदे को बहुत बड़ी चुल है बात बात पे गोली चलाने की, और आप तो आप हैं, और कहीं आपने इससे उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया तो उसने हमें वही मोक्ष के द्वार भेज देना है। Shut your mouth, मनीष। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो निकल जाओ, मैं अकेली कर लूंगी। मैडम डर टेररिस्ट से नहीं लगता, रिकवरी वालों से लगता है। और अगर घर की ईएमआई नहीं देनी होती ना तो मैं तो कब का चला जाता यहाँ से। तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने तो फेमस हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त जख्मी हुए मनीष, वाह 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 वाह, और अवार्ड भी मिल जाएगा। और फिर वही अवार्ड मेरी बीबी रोज मुझ पे फेंक के मारे। एक बार मैडम टेररिस्ट का निशाना चूक सकता है पर मेरी बीवी का नहीं। Thank you.
इसमें क्या है? इसमें वो शूटिंग करने के लिए कैमरा तो निकालना पड़ेगा ना। तुम्हें शूटिंग का परमिशन किसने दिया? हमें शूटिंग तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाँ। आपका इंटरव्यू है, लिख लीजिए। थैंक यू। माइक ले लेता। पूछिए, क्या पूछना है? हाँ तो बताइए, कौन हैं आप? कश्मीर के इन वादियों में गैंगस्टर कैसे? अब तक कश्मीर में मैंने टेररिज्म सुना था, गैंगस्टर इन कश्मीर फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आई एम अ गैंगस्टर बाय चॉइस, और गैंगस्टर जगह देख के नहीं बनते हैं, हालात उन्हें बना देते हैं। तो आपका मकसद क्या है? मकसद तो आप लोगों के होते हैं, हमारे इरादे होते हैं। इरादे? तो क्या है आपके इरादे? मरना। मरना या मारना? आप ये भी तो कह सकती थी कि बुराई को मारना और अच्छाई के लिए मरना। तो अब तक कितने लोगों को मार चुके हैं आप? आप जर्नलिस्ट ही हैं ना, इसका रिकॉर्ड नहीं है आपके पास? रिकॉर्ड तो है, पर उनको क्यों मारा है ये तो आप ही बताओगे ना। क्यों, ये क्यों नहीं पता किया आपने? और अगर नहीं पता लगाया तो जाइए वादी में और पूछिए वहां के लोगों से, वो बताएंगे अपना दर्द। यहां की आवाम सरहद पार के दहशतगर्दों से तो परेशान है ही, ऊपर से ये करप्ट पॉलिटिशियंस इन्हें जीने ही नहीं देते, दोहरे दोहरे खेल खेलते हैं इनके साथ। इन दहशतगर्दों और करप्ट पॉलिटिशियंस के बीच में पिस रहा है ये कश्मीर हमारा। इतनी सेंसिबल बातें तो क्यों चुनी है बदनाम जिंदगी? जिंदगी कौन सी जिंदगी? ये मेरी जिंदगी नहीं है। मेरी जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी और खो गई थी कहीं कश्मीर की वादियों में। अब तो मैं बस वो जिंदगी जी रहा हूं जो यहाँ की आवाम ने मुझे दी है। किस दिन के बारे में बात कर रहे हैं? और आपकी शायरी कहीं पढ़ी थी मैंने। थक गया हूँ मैं चलते चलते। थक गया हूँ चलते चलते, अब और ना हौसला अफजाई दे। ऐ जिंदगी तो मुझे बस रिहाई दे। बहरे गम की चादर ओढ़े हुए बर्फ सी जिंदगी में ठिठुरता रहा। आज लाल चौक में एक बार फिर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मालूम होता है यह एक सांकेतिक हमला। इस घटना के मद्देनजर सरकार फिर से घाटी में कर्फ्यू लगा सकती है। अब आगे देखिए मौसम की जानकारी। ना जाने कब थमेगा ये मंजर। यहाँ के हालात भी यहाँ के साथ मौसम की तरह हो गए हैं। पल में धूप, पल में बर्फ। कभी लगता है मौसम खुलेगा, फिर अचानक काले बादलों का झुंड वादी को अपनी आगोश में ले लेता है। ओहो अल्लाह मियाँ, चाचा जाना बस भी करे, खुदा का कुछ तो खौफ खाएं। इतने भी कोई बुरे हालात नहीं है और बाजार में अभी कोई कर्फ्यू नहीं है, इसलिए बातें बनाना बंद करें और चले जल्दी। संभल के जाना ही, तेरे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने एहतियात बरतने को कहा है।
तेरा निकाह करवा दिया होता इस साल तो इनको अस्पताल में लेके ना घूमना पड़ता। शुरू हो गई। अल्लाह मियाँ, चाची जान थोड़ी रियायत ही कर लिया करें। आपकी एक लौती भतीजी हूँ, आपका बस चले ना किसी भी पहाड़ी बकरे को पकड़ के बस मेरा निकाह पढ़वा दे। मुझे अभी निकाह नहीं करवाना, मुझे पढ़ना है। और ज्यादा फिक्र ना करें, और मजीद बोझ नहीं बनूंगी आप पर। क्यों चाचा जान? हाँ देखते हैं, तू अभी अकेली चली जा, चाचा को आराम करने दे। और हाँ सुन, जल्दी वापिस आना बाजार से। एक काम करती हूँ, मैं नगमा को साथ ले जाती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। आराम से हीर। अरे हीर रुक जा, ये कैसा सायरन बजा? ओहो अल्लाह मियाँ, चाची जान सरकारी भोपू है, बाजार के लिए बजाए मोहल्ले में नगमा के घर जाने के लिए नहीं बजा। आप ना मसला इनको कोई मुझसे, संभालिए इन्हें। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना, पढ़ाई करती है। खुदा हाफिज। या अल्लाह, इस लड़की की जुबान तो देखो, तहजीब और अदब का नामो निशान नहीं। बस करो अब, बच्ची है वो। अरे निकाह के लिए थोड़ा सा वक्त मांग रही है, इसमें क्या हर्ज है? इस बात की ही तो फिक्र है कि वो अब बच्ची नहीं है, हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी करे। निकाह करवाए और जल्दी निकले यहाँ से। ना जाने कब थमेगा ये मंजर। थमेगा जब इसका निकाह होगा और हमारा जन्नत का टिकट कटेगा। ये जो रूहानी मोहब्बत है, कैसे हम हम भी दुआ करेंगे। कबीर क्या हुआ? मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। पागल हो गए हो? मैं हूं ना। चलो। ये जो इश्क की है दास्तां, जानूं मैं जाने तू और जाने ये हमारी इश्कियात। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मौला मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मौला। आबिदा है जो इश्क की, मैं की रातें बिन कहे तूने कह डाली ढेरों बातें। राजदा तू जो आंखों के ना हो रूबरू, हाले दिल मेरा कैसे अब बया मैं करूं। मेरी अर्जियां मेरी मन मर्जियां, मेरा इश्तियाक है बस तू। मेरी अर्जियां मेरी मन मर्जियां, मेरा इश्क है बस तू। अपनी रूह में
है बस तू मेरी अर्जियां मेरी मन मर्जियां मेरा इश्तियार है बस तू मेरी अर्जियां मेरी मन मर्जियां मेरा इश्तियार नगमा नगमा फौरन चलो देर हो रही है जल्दी चलो कबीर इतनी जान निकल जाती तो जो खुद किसी की जान हो उसकी जान भला कैसे जा सकती है क्या बात है जनाब आज गालिब बने घूम रहे हो लगता है MBBS की किताबें छोड़कर शायरी की किताबें उठा ली है नहीं जिसके सामने डल से भी गहरी आंखें होना उसे शायरी की किताबों की जरूरत नहीं है मेरा खुदा जानता है कबीर तुम मुझे मिले हो ना जैसे खुदा का नूर मुझ पे बरसा है अब मुझे ताउम्र सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जहां तुम वहां मैं तुम जानते हो यहाँ आना तुमसे मिलना कितनी मुश्किल होती है आज भी घर पे झूठ बोल के आई हो वो तो बेचारी नकबा है जो साथ दे देती है वरना चाचा जान और चाची जान तो जानते हो तुम मुझे घर से भी बाहर नहीं निकलने देते ऊपर से माहौल इतना खराब है कि जानता हूँ हीर जानता हूँ तुम कितनी मुश्किल से यहाँ पे आती हो ऊपर से ये रोज रोज के कर्फ्यू दिमाग खराब करके रख दिया है हीर मेरी बात सुनो बस एक बार मेरे MBBS की डिग्री आ जाए ना उसके बाद मैं तुम्हें यहां से बहुत दूर दिल्ली ले जाऊंगा एक नई दुनिया में और तुम्हें पता है वहां पे हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा ना घर वाले ना ये कर्फ्यू और मेरा खुदा गवाह है जहां तुम वहां मैं और वही मेरा सुकून हम ना एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे फिर चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो और प्लीज जल्दी कुछ करो कबीर मेरी चाची इससे पहले पड़ोस के मुल्क में किसी और के साथ मेरा निकाह तय कर दे हमें जल्दी कुछ करना होगा इन वादियों में हमारा इश्क मुकम्मल नहीं हो सकता मुकम्मल काम किए जाते हैं हीर ये इश्क है और इश्क अंजाम मांगता है हमारे एक होने का अंजाम और वो हम होके रहेंगे हीर, हम भी तो 10 मिनट कह के आए थे अगर तुम्हारे घर चले गए तो हम दोनों पकड़े जाएंगे हीर जल्दी चलो कबीर मुझे जाना होगा हम फिर मिलेंगे इस वक्त जाना होगा जरूरी है और तुम अपना ध्यान रखना माहौल बिल्कुल ठीक नहीं एहतियात बरतना अपना ध्यान रखना हीर जल्दी चलो ईद के मद्देनजर सरकार ने कर्फ्यू में ढील देने का विचार किया है अगले हफ्ते घाटी से कर्फ्यू हटाया जा सकता है अल्लाह मियां कबीर अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली अब वक्त आ गया है हमारे एक होने का ज्यादा नहीं लिख पाऊंगी बस आने वाले जुम्मे के दिन पीपल दरगाह के पास मैं पहुंच जाऊंगी नमाज अदा होने से पहले हम निकल जाएंगे मेरा इंतजार करना तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी हीर कहा था ना जब इश्क सच्चा हो तो किस्मतों को भी बदलना पड़ता है अगले हफ्ते कर्फ्यू खुल रहा है और अगले जुम्मे को मेरे MBBS का रिजल्ट भी आने वाला है हम उसी दिन निकलेंगे तुम तैयार रहना बाकी की बात अगली चिट्ठी में बताऊंगा
यकीनन अल्लाह की मेहर हुई है, ये कर्फ्यू तो हटा। हम ठीक तरह से मिल तो पाए। तुम्हें पता है कबीर, मेरा दिल करता है ना कि मैं बस तुम्हारे कंधे पर सर रखकर इसी तरह बैठी रहूं और पूरी जिंदगी गुजर जाए। और यहां से ना कहीं बहुत दूर चले जाए। हीर, जल्दी हमारा ये सपना भी पूरा होगा, तू फिक्र क्यों कर रही हो? कर्फ्यू हटा हुआ है, हमारे पास मौका है, हम अगले हफ्ते ही निकल जाएंगे। तुम्हें एक बात बोलो हीर, ये वादी कवा है हमारे सच्चे इश्क की याद की, और जब इश्क की याद सच्चा होता है ना तो तकदीरें बदल जाती हैं। दुआ करूंगी तुम्हारी ये बात सच हो। मौसम की जानकारी, वादी में अभी भी मौसम में गिरावट होती रहेगी जिसके चलते बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू श्रीनगर हाईवे में जरूरी सामान की आवाजाही सुचारू रूप से बहाल कर दी गई है। घाटी में कर्फ्यू हटने के बाद बाजारों में रौनक फिर लौट आई है। इसी अच्छी खबर के साथ आज जम्मू कश्मीर में मेडिकल का परिणाम घोषित हुआ और श्रीनगर के कबीर पंडित ने मेडिकल में टॉप रैंक हासिल की है। यस, तेरी वादी में टॉप पर है। पैसे रख, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि सब ठीक हो जाए। थैंक यू। चलो बस तू मेरी अर्जियां, मेरी मन मर्जियां, मेरा इश्तियाक है बस तू। मेरी अर्जियां। मार दिया मेरी हीर को। तो आपको क्या लगता है किसने मारा होगा हीर को? उन सब लोगों ने जो इस घाटी का अमन और चैन छीनना चाहते हैं, चाहे वो फिर सरहद पार से कोई दहशतगर्द हो या कोई पॉलिटिशियन, सब मेरे दुश्मन हैं। तो आपको क्या लगता है आप ये जो सब कर रहे हो इससे अमन फैलेगा? अमन का तो पता नहीं, हाँ लेकिन कुछ बेगुनाह लोग मरने से बच जाएंगे। तो एक डॉक्टर जो MBBS में पूरी स्टेट में टॉप किया था, जो अपने आप को टेररिस्ट नहीं गैंगस्टर मानता है, वो अपने हाथों में गन लेके कश्मीर के हालात बदलने चला है। क्या ऐसा करके हीर वापस आ जाएगी? हीर तो वापस नहीं आएगी, हाँ लेकिन जन्नत में जब हीर से मिलूंगा ना तो
तक सुकून होगा और उसे मुझ पे फक्र होगा। तो आपको लगता है हीर को फक्र होगा? जिसे वो डॉक्टर बनते हुए देखना चाहती थी वो आज खून बहा रहा है, और आपको लगता है हीर को फक्र होगा? फक्र होगा, होगा। हीर के छोटे छोटे ख्वाब थे जो पूरे ना हो सके। दोबारा कभी किसी हीर कबीर के साथ ऐसा ना हो, मैं ये मुकम्मल करके रहूंगा। बस हो गया इंटरव्यू खत्म। कबीर चलो। कबीर चलो, कहा ना मैंने? सुनो मैडम, चलो ना, जल्दी चलो। मैंने बोला था ना आपको, बहुत खतरनाक आदमी। अब हो गई आपको तसल्ली है? जो भी है, इसकी कहानी में अलग सा एहसास है, थोड़ा और जानना पड़ेगा। अब चलें। थक गया हूं चलते चलते, अब और ना हौसला अफजाई दे। ऐ जिंदगी तू मुझे बस रिहाई दे। बहरे गम की चादर ओढ़े हुए बर्फ सी जिंदगी में ठिठुरता रहा।